हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस वीडियो क्लास में। फ्रेंड, जैसा कि आप जानते हैं कि एसएससी के सभी एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, और एसएससी सीजीएल का, एसएससी सीपीओ का और दूसरे सभी एसएससी के एग्ज़ाम्स होने वाले हैं दिसंबर ऑनवर्ड्स, और बैंकिंग एग्ज़ाम भी चल रहे हैं। तो मैंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक दिया है, नॉन फाइनाइट वर्ब्स। तो नॉन फाइनाइट वर्ब्स के कुछ कॉन्सेप्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन हम इस वीडियो क्लास में करेंगे, और इनकी मदद से काफ़ी कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर होंगे। इसलिए इस पूरे वीडियो क्लास को आप ध्यान से देखिए, ध्यान से सारी चीज़ें सुनिए, और काफ़ी कॉन्सेप्ट्स इसमें आपको सीखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं, देखते हैं इस क्लास को। देखिए, एक ये क्वेश्चन है, वी डू नॉट रिमेम्बर टू मीट हिम अर्लियर। देखिए, इंग्लिश में कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जिनके बाद 2+V1 आता है, कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जिनके बाद ING आता है। जैसे अवॉइड एक वर्ब है या इन्जॉय एक वर्ब है जिनके बाद ING फॉर्म हम लगाते हैं, लेकिन रिमेंबर और फॉरगेट दो ऐसे वर्ड हैं जिनके साथ ING फॉर्म भी आप लगा सकते हैं और 2+V1 भी लगा सकते हैं। ठीक है, ING फॉर्म लगाएंगे तो उसका मीनिंग अलग निकलेगा, और 2+V1 लगाएंगे तो उसका मीनिंग अलग निकलेगा। अब इसका थोड़ा सा मीनिंग हम समझ लेते हैं। देखिए, यहाँ पर मैं आपको समझाऊंगा। देखिए, रिमेंबर एंड फॉरगेट विद एन इन्फिनिटिव ऑलवेज रेफर फॉरवर्ड। यानी रिमेंबर के बाद जब मैं 2+V1 लगाता हूँ तो उसका मतलब ये है कि मैं आने वाले टाइम के बारे में बात कर रहा हूँ। ठीक है, ये अभी आपको समझ में आ जाएगा अच्छे तरीके से। और जब मैं रिमेंबर के बाद ING फॉर्म लगाता हूँ तो उसका मतलब होता है, देखिए, रिमेंबर एंड फॉरगेट वर्ब प्लस ING फॉर्म ऑलवेज रेफर बैक इन टाइम। तो रिमेंबर के बाद जब ING फॉर्म हम लगाते हैं तो उसका मतलब ये है कि हम जो समय गुजर चुका है उसके बारे में बात कर रहे हैं, और जब 2+V1 लगाते हैं तो उसका मतलब है हम बैक टाइम के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर हम क्या बोल रहे हैं, वी डू नॉट रिमेंबर मीटिंग हिम अर्लियर, मतलब मुझे याद नहीं है कि मैं पास्ट में उससे मिला हूं। मुझे ये चीज़ याद नहीं है कि मैं उससे पास्ट में मिला हूँ, मतलब पास्ट में कोई चीज़ हो चुकी है और अब मैं उसको याद करने की बात कर रहा हूँ। ठीक है, वी डू नॉट रिमेंबर मीटिंग हिम अर्लियर, तो इसलिए यहाँ पर ING फॉर्म आएगा, रिमेंबर एंड फॉरगेट प्लस वर्ब ING फॉर्म ऑलवेज रेफर बैक इन टाइम। यानी रिमेंबर और फॉरगेट के बाद जब हम वर्ब की ING फॉर्म लगाते हैं तो उसका मतलब ये है कि वी आर रेफरिंग बैक इन टाइम, हम टाइम को बैक डेट में याद कर रहे हैं, बैक डेट में कुछ हो चुका है और अब हम उसको याद कर रहे हैं। तो इस सेंस में हम ING फॉर्म का यूज करते हैं। अब यहां पर देखिए, रिमेंबर टू क्लोज ऑल द विंडोज एंड लॉक ऑल द डोर्स बिफोर यू लीव द हाउस। इसमें हम आगे वाले टाइम की बात कर रहे हैं। जब हम रिमेंबर के बाद 2+V1 लगाते हैं तो उसका मतलब यह है कि हम आगे वाले टाइम की बात कर रहे हैं। ठीक है, जैसे रिमेंबर टू क्लोज मतलब याद रखना कि सारे विंडोज को आप लॉक कर दें बिफोर यू लीव द हाउस। रिमेंबर टू क्लोज ऑल द विंडो, यहां पर रिमेंबर क्लोजिंग नहीं आएगा क्योंकि रिमेंबर क्लोजिंग का मतलब हो जाएगा कि हम पास्ट की बात कर रहे हैं, लेकिन इसमें हम आने वाले टाइम की बात कर रहे हैं। रिमेंबर टू क्लोज याद रखना कि आप सारे सारे दरवाजे में सारे डोर को लॉक करके जाएं, जो काम अभी हुआ नहीं है उसके बारे में हम बोल रहे हैं। लेकिन रिमेंबर के बाद जब हम ING फॉर्म लगाते हैं तो उसका मतलब ये है कि काम पास्ट में ऑलरेडी हो चुका है और अब हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। जैसे यदि मैं बोलूं कि आई रिमेंबर वॉचिंग अ मूवी, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि मुझे याद है कि मैंने पास्ट में एक मूवी देखी थी। आई रिमेंबर वॉचिंग अ मूवी, आई रिमेंबर मीटिंग हिम देयर, मुझे याद है कि मैं वहां पर उससे मिला था। ठीक है, तो इस तरीके से रिमेंबर का यूज होता है। तो रिमेंबर के बाद यहां पर टू मीट ना आते हुए यहां पर आएगा मीटिंग, तो इसमें बी पार्ट जो है ये इसमें गलत है। इस तरह के क्वेश्चन बैंकिंग एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं, बैंक क्लर्क में, बैंक पीओ एग्जाम में, तो ये बेसिक्स आपको क्लियर करना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द कैमल इज यूज टू लिव विदाउट वाटर फॉर मैनी डेज। देखिए, यूज टू को हम दो तरीके से प्रयोग करते हैं। एक तो यूज टू को हम पास्ट हैबिट के लिए बताते हैं, जैसे आई यूज टू प्ले
व्हेन आई वाज इन कॉलेज आई यूज टू प्ले लॉट ऑफ क्रिकेट, जब मैं कॉलेज में था तो बहुत क्रिकेट खेला करता था, तो इस सेंस में यूज टू के बाद आई यूज टू प्ले, आई यूज टू प्रैक्टिस, आई यूज टू गो, इस तरीके से हम यूज करते हैं। लेकिन जब यूज टू को हम इज एम आर के साथ प्रयोग करते हैं तो इसका जो सेंस निकलता है वो ये निकलता है कि किसी व्यक्ति या वस्तु को किसी चीज़ की आदत है। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं कि मैं इसका यूज टू नहीं हूँ, मतलब मुझे इसकी आदत नहीं है। ठीक है, तो चूंकि इसमें इज एम आर आता है, आई एम यूज टू, ठीक है, आई एम नॉट यूज टू, तो यहां पर यदि आप एक क्वेश्चन पूछें कि आई एम यूज टू वॉट, ठीक है, तो इस वॉट का जो आंसर आएगा वो नाउन के फॉर्म में आना चाहिए, क्योंकि वॉट का आंसर हमेशा नाउन होता है। जैसे वॉट डू यू लाइक, आई लाइक बुक्स, ठीक है, वॉट का आंसर हमेशा एक नाउन होता है। तो इसलिए द कैमल इज यूज टू, कैमल यूज टू है, किस चीज का यूज टू है वो, ही इज यूज टू लिविंग। तो यहां पर जब आप इस सेंस में इसको यूज करते हैं तो यूज टू के बाद आप वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज करते हैं, जिसको हम बोलते हैं जेरेंड फॉर्म, और जेरेंड फॉर्म एक नाउन फॉर्म मानी जाती है। ठीक है, द कैमल इज यूज टू लिविंग, यहां पर हम बोलेंगे लिविंग, तो इसका सही आंसर होगा बी, विदाउट वाटर फॉर मेनी डेज। तो ये बाकी सारी चीजें सही हैं, लेकिन यहां पर इसमें हम क्या बोलेंगे, लिविंग बोलेंगे। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। इसके दो यूजेस होते हैं यूज टू के, आई यूज टू गो और आई एम यूज टू, ये वी आर यूज टू, दे आर यूज टू। तो जब इज एम आर आता है तब हम आई एन जी फॉर्म लगाते हैं, अदरवाइज हम यूज टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। दोनों ही सेंसेस में इसका मीनिंग अलग निकलता है। अब देखिए, बींग डिफीटेड बाय द होस्ट द विस्टिंग टीम सफर्ड ग्रेट ह्यूमिलिएशन। इस सेंटेंस में देखिए क्या बात कर रहा है, एक होता है होस्ट और एक होता है गेस्ट। ठीक, जो किसी प्रोग्राम को होस्ट करता है, जो मेहमान नवाजी करता है उसको हम बोलते हैं होस्ट, और जो मेहमान बन के कहीं जाता है उसको हम बोलते हैं गेस्ट। तो इसमें क्या बात हो रही है, बींग डिफीटेड बाय द होस्ट, इसमें जैसे जैसे क्रिकेट टीम है, ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम है, इंडिया में आती है, ठीक है, तो इंडिया क्या है, इंडिया एक होस्ट है और ऑस्ट्रेलिया एक गेस्ट है। तो बींग डिफीटेड बाय द होस्ट, होस्ट के द्वारा जब वो डिफीट हो गए तो विजिटिंग टीम, जिस जो टीम विजिट कर रही थी, उसने ग्रेट ह्यूमिलिएशन को सफर किया, उसको काफी निंदा, काफी इंसल्ट, काफी ये सारी चीजें उसको झेलनी पड़ी। डिफीटेड क्या है, डिफीटेड है पास्ट पार्टिसिपल, ठीक है, पास्ट पार्टिसिपल इसको हम बोलते हैं। पास्ट पार्टिसिपल का मतलब है, इसके द्वारा हम बताते हैं कंप्लीटेड एक्शन या स्टेट ऑफ द थिंग्स, किसी चीज की दशा हम बताते हैं, किसी चीज का स्टेट हम बताते हैं। तो डिफीटेड बाय द होस्ट, गेस्ट का स्टेट क्या था, जो गेस्ट थे उनकी दशा क्या थी, कि वो डिफीटेड थे, डिफीटेड बाय द होस्ट, ठीक है, उनकी दशा ये थी कि वो डिफीटेड हो चुके थे और ये काम यहां पर खत्म हो चुका था, और उनका जो स्टेट था वो स्टेट क्या था, डिफीटेड स्टेट था, वो डिफीटेड स्टेट में थे। तो पास्ट पार्टिसिपल के साथ हम बींग नहीं लगाते, बींग हम तब लगाते हैं, कुछ कंडीशन में हम पास्ट पार्टिसिपल के साथ बींग लगाते हैं, लेकिन बींग हम तब लगाते हैं जब हम ऑन गोइंग एक्शन की बात करते हैं। ठीक है, तो इसके कुछ एग्जाम्पल मैं बताऊंगा जिसमें हम पास्ट पार्टिसिपल के बाद बींग भी लगाते हैं। ठीक है, तो उसके कुछ एग्जाम्पल मैं आने वाली वीडियो क्लासेस में आपको बताऊंगा जिसमें ऑन गोइंग एक्शन की हम चर्चा करते हैं। ठीक है, यहां पर हम स्टेट बता रहे हैं तो इसमें बींग कहना गलत होगा। यहां पर डिफीटेड बाय द होस्ट द विजिटिंग टीम सफर्ड ग्रेट ह्यूमिलिएशन, डिफीटेड बाय द होस्ट, चूंकि वो डिफीट हो चुके थे इसलिए उनको उन्होंने ग्रेट ह्यूमिलिएशन को सफर किया, ये सेंटेंस का मतलब है। इसमें बींग नहीं आएगा और इसका आंसर होगा ए। आई होप दिस इज क्लियर। देखिए, 99% केसेस में पास्ट पार्टिसिपल के साथ हम बींग नहीं लगाते, कुछ एक्सेप्शंस हैं जिनमें बींग लगा सकते हैं, जिसमें ऑन गोइंग एक्शन होता है, उन सेंटेंसेस को भी मैं एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन आप ये याद रखिए कि 99% केसेस में पास्ट पार्टिसिपल के बाद, पास्ट पार्टिसिपल से पहले हम बींग नहीं लगाते। अब देखिए, हैविंग लिसन द स्टोरी द सेलर्स वेंट टू बेड। पिछली स्लाइड में मैंने क्या बताया था आपको, पिछली स्लाइड में यहां पर यह बताया था पास्ट पार्टिसिपल। देखिए, पार्टिसिपल तीन होते हैं,
प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल आईएनजी फॉर्म वाले जो होते हैं वो प्रेजेंट पार्टिसिपल होते हैं, ईडी और ईएन फॉर्म होते हैं वो पास्ट पार्टिसिपल होते हैं, और हैविंग के साथ जब वी3 लगता है तो वो होता है परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल का मतलब है कि एक एक्शन पास्ट में खत्म हो गया, उसके बाद दूसरा एक्शन शुरू हुआ। ठीक है, तो इसमें हम हैविंग के साथ V3 लगाते हैं। हैविंग लिसेंड द स्टोरी, स्टोरी सुनने के बाद सेलर्स वेंट टू बेड। ठीक है, सेलर्स जो थे वो सोने चले गए स्टोरी सुनने के बाद। तो ग्रामेटिकली ये सही है, तो पार्टिसिपल के हिसाब से तो ये सेंटेंस सही है, लेकिन गलती कहाँ पर है? गलती है यहाँ पर, लिसन के बाद इसमें टू जो है ये मिसिंग है। हैविंग लिसन टू द स्टोरी, लिसन के बाद हम हमेशा टू लगाते हैं। ठीक है, हैविंग लिसन व्हाट, हैविंग लिसन टू द स्टोरी। यदि यहाँ पर लिसन के पहले बीइंग कर देंगे तो ये गलत हो जाएगा, या इसमें से हम हैविंग हटा देंगे तो ये गलत हो जाएगा। हैविंग के साथ हम V3 लगाते हैं, इसका मतलब होता है परफेक्ट पार्टिसिपल। और देखिए, हैविंग लिसन जो वर्ब है इसका सब्जेक्ट कौन सा है? इसका सब्जेक्ट है सेलर। सेलर देखिए, स्टोरी स्टोरी सुनने का काम भी सेलर ने किया और सोने का काम भी सेलर ने किया। ठीक है, सेलर जो कॉमन सब्जेक्ट है, इस एक वर्ब ये लगी है सेलर के साथ, और हैविंग लिसन भी सेलर के साथ ही लगी है। यदि दो वर्ब एक कॉमन सब्जेक्ट के साथ जा सकती हैं तो हम वर्ब को एक ही बार लेते हैं। ठीक है, लेकिन यदि दोनों वर्ब अलग अलग हैं, मतलब एक सब्जेक्ट पे दोनों वर्ब अप्लाई अगर नहीं होती हैं, तो दोनों वर्ब्स के साथ हमें अलग अलग सब्जेक्ट लेना पड़ेगा। यहाँ पर कॉमन सब्जेक्ट है सेलर, और सेलर जो है वो इस पर भी अप्लाई हो जाएगा, क्योंकि सेलर सोने भी गए और सेलर ने स्टोरी सुनी। ठीक है, तो कॉमन जो सब्जेक्ट है वो यहाँ भी अप्लाई हो जाएगा, यहाँ भी अप्लाई हो जाएगा, इसलिए इस वाले पार्ट में कोई सब्जेक्ट नहीं है, उसका जो सब्जेक्ट है वो सेलर ही है। ठीक है, इसका मैं भी और थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगा। यहाँ पर कॉमन सब्जेक्ट हम ले सकते हैं, लेकिन जब दो वर्ब्स के लिए अलग अलग सब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि एक कॉमन सब्जेक्ट उसमें अप्लाई नहीं हो पाता है, तो फिर हमें अलग अलग सब्जेक्ट लेने पड़ते हैं। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? यहाँ पर आंसर होगा आपका ए। अब देखिए, पुट टू बेड फर्स्ट, अ ह्यूज टोटल वॉज एक्सपेक्टेड फ्रॉम इंडिया। देखिए यहां पर पुट इन टू बैट फर्स्ट, मतलब उनको पहले बैटिंग करने के लिए बोला गया। ठीक है, किसको पहले बैटिंग करने के लिए बोला गया? वो यहां पर कॉमा के बाद वो सब्जेक्ट आना चाहिए। यहां पर पुट इन टू बैट फर्स्ट अ ह्यूज टोटल वॉज एक्सपेक्टेड फ्रॉम इंडिया। ठीक है, चूंकि उनको बैटिंग करने के लिए पहले बोला गया था, इसलिए उनसे एक बड़ा टोटल हम लोग उम्मीद कर रहे थे। तो बड़ा टोटल बनाने की उम्मीद हम किससे कर रहे थे? ह्यूज टोटल से या इंडिया से? बड़ा टोटल बनाने की उम्मीद हम इंडिया से कर रहे थे। तो इंडिया जो है वो यहां पर कॉमा के बाद इंडिया आना चाहिए यहां पर। ठीक है, तब जब इंडिया को हम यहां पर रखेंगे, तब वो सब्जेक्ट इस फ्रेज से अटैच माना जाएगा। अभी ऐसा माना जाएगा, यदि हम ऐसे लिखें तो ये माना जाएगा कि ह्यूज टोटल जो है वो एक एंटिटी है, और उससे ये एक्सपेक्ट किया गया था कि उसको पहले बैटिंग करने के लिए बोला गया था। ह्यूज टोटल से पहले बैटिंग करने के लिए बोला गया था, जो कि सेंसलेस होगा। तो इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा पुट इन टू बैट फर्स्ट, इंडिया वॉज एक्सपेक्टेड टू पाइल अप अ ग्रेट टोटल। कुछ भी सेंटेंस बना सकते हैं। ठीक है, पुट इन टू बैट फर्स्ट, पहले बैटिंग करने के लिए किससे बोला गया? इंडिया से, और इंडिया इस फ्रेज के जस्ट बाद यहां पर लगा हुआ है, तो ये सही है। इस तरीके से ये सेंटेंस आपका सही हो जाएगा। इसको किसी भी तरीके से घुमा के दे सकते हैं, काफ़ी ये ट्रिकी सेंटेंस है। ठीक है, तो इसमें बी गलती आप मान सकते हैं। बीइंग अ रेनी डे आई डिसाइडेड टू टेक माय अम्ब्रेला। अब देखिए, मैंने अभी लास्ट टू लास्ट स्लाइड में क्या बात की थी कि हम कॉमन सब्जेक्ट कब लेते हैं? जब उस कॉमन सब्जेक्ट के ऊपर दोनों वर्ब्स अप्लाई हो सके। अब देखिए, आई जो सब्जेक्ट है, इसका 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 वर्ब कौन सा है? डिसाइडेड। आई एक सब्जेक्ट है और इसका इसका वर्ब कौन सा है? डिसाइडेड। अब बीइंग भी एक वर्ब है,
लेकिन बीइंग का सब्जेक्ट क्या है? यदि बीइंग का सब्जेक्ट यहां पर नहीं है तो इसका मतलब यह माना जाएगा कि बीइंग का सब्जेक्ट है आई, ठीक है, आई बीइंग ए रेनी डे। यदि यदि यहां पर हम कोई सब्जेक्ट नहीं लगाएंगे, देखिए आई के साथ डिसाइडेड तो लगा सकते हैं, लेकिन आई के साथ ये वाला जो वर्ब है ये नहीं जा रही है। इसका मतलब ये हो जाएगा आई बीइंग ए रेनी डे, मैं एक रेनी डे था, यानी ये सेंसलेस बन जाएगा। आई के साथ डिसाइडेड तो चला जाएगा लेकिन आई के साथ ये बीइंग नहीं जाएगा, ठीक है, क्योंकि दोनों वर्ब्स पे एक ही सब्जेक्ट अप्लाई नहीं होगा, इसलिए यहां पर एक अलग सब्जेक्ट लेना पड़ेगा यहां पर, ठीक है। और डे और टाइम के लिए हम किस सब्जेक्ट का यूज करते हैं, किस प्रोनाउन को हम यूज करते हैं? डे और टाइम के लिए हम इट प्रोनाउन को यूज करते हैं, इट। इट इज 5 o'clock, इट इज मंडे टुडे, इस तरीके से। इट्स ए रेनी डे, इट्स ए गुड डे, ठीक है। तो यहां पर हम बोलेंगे इट बीइंग अ रेनी डे आई डिसाइडेड टू टेक माई अम्ब्रेला। तो इसमें इट सब्जेक्ट हो जाएगा और बीइंग वर्ब हो जाएगा, तो यहां पर सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन बन गया और यहां पर भी सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन बन गया। दोनों सब्जेक्ट के साथ हमने अलग अलग वर्ब ले ली। दोनों सब्जेक्ट के साथ अलग अलग वर्ब लेना इसलिए जरूरी है क्योंकि एक सब्जेक्ट दोनों वर्ब्स पर अप्लाई नहीं हो सकता इस पर्टिकुलर सेंटेंस में। यदि अप्लाई हो सकता है तो फिर हमें अलग से सब्जेक्ट लेने की जरूरत नहीं है। तो यहां पर आंसर क्या होगा? यहां पर आंसर होगा आपका ए। ए पार्ट में इट जो है वो मिसिंग है। अब देखिए, फ्रेंकली स्पीकिंग ही वॉज टेकन, ही हैज टेकन मोर टाइम देन नेसेसरी। तो इस तरह के फ्रेजेस में क्या होता है, देखिए यहां पर ही के साथ तो ही एक सब्जेक्ट है और ही के साथ वर्ब लगी हुई है ही हैज टेकन, तो यहां पर तो सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन पूरा हो गया है, लेकिन इस वर्ब का सब्जेक्ट कहाँ है? देखिए इस तरह के जो फ्रेज होते हैं इनको हम बोलते हैं पार्टिसिपल फ्रेजेस, और इनको हम एब्सोल्यूट सेंस में यूज करते हैं। इसका मतलब क्या है? फ्रेंकली स्पीकिंग का मतलब ये है कि इफ़ वी स्पीक फ्रेंकली, या इफ वी स्पीक फ्रेंकली, या इफ वन स्पीक्स फ्रेंकली, ठीक है, तो इसमें जो सब्जेक्ट है वो छुपा हुआ है। इफ यहां पर हम लिखेंगे इफ, इसका मतलब क्या है? इफ वन स्पीक्स फ्रेंकली, इफ वन स्पीक्स फ्रेंकली, तो यहां पर सब्जेक्ट जो है ये इसमें छुपा हुआ है। वन, वन मतलब समवन, इट कुड बी एनी वन, तो ये एक प्रोनाउन होता है। तो वन हो गया यहां पर सब्जेक्ट और स्पीक हो गया प्रोनाउन। यदि इसको हम ट्रांसलेट करें, यानी इस फ्रेज को हम एक क्लॉज में चेंज करें, तो सब्जेक्ट निकल के आ जाएगा। फ्रेंकली स्पीकिंग एक फ्रेज है, एक पार्टिसिपल फ्रेज है, और इसको यदि हम क्लॉज में चेंज कर देते हैं इफ वन स्पीक्स फ्रेंकली, ठीक है, तो उसमें वन जो है सब्जेक्ट निकल के आ जाएगा। तो यानी यहां पर सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन पूरा हो जाएगा और यहां पर भी सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन पूरा हो जाएगा। तो ये जो सेंटेंस है ये सही है, इसमें कोई एरर नहीं है। फ्रेंकली स्पीकिंग ही हैज टेकन मोर टाइम देन नेसेसरी। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। ही फ्लू फॉर लंदन एट 8 AM, अराइविंग देयर 12 hours लेटर। वह लंदन से उड़ा, ही फ्लू फॉर लंदन एट 8 AM, अराइविंग देयर 12 hours लेटर। मतलब वह लंदन के लिए किसी जगह से उड़ा 8 बजे और दूसरी जगह पहुंचा वो 12 घंटे बाद। यानी एक जो इवेंट है वो 8 बजे हो रही है और जो दूसरी इवेंट है वो 12 घंटे बाद हो रही है, ठीक है। तो जब दो इवेंट अलग अलग टाइम पर घटित होती हैं तो उसके लिए हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज़ नहीं करते। प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज़ हम तब करते हैं जब दो इवेंट साथ में होती हैं या जस्ट एक के बाद एक होती हैं। तो इसमें तो 12 घंटे का डिफरेंस है, तो इसलिए यहां पर हम बोलेंगे ही फ्लू फॉर लंदन एट 8 AM एंड अराइव्ड देयर। यहां पर ये जो पार्ट है प्रेजेंट पार्टिसिपल का, ये गलत है, ठीक है। प्रेजेंट पार्टिसिपल हम इसलिए नहीं लगा सकते क्योंकि दोनों एक्शन साथ में नहीं हो रहे। जब दोनों एक्शन साथ में होते हैं या जस्ट एक के बाद एक होते हैं, उस कंडीशन में हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करते हैं। तो यहां पर ये बी पार्ट आपका गलत है। अब देखिए ये सेंटेंस देखिए। कुंबले बोल्ड एक्सट्रीमली वेल कंसीडिंग ओनली 8 runs इन हिज लास्ट 4 overs। कुंबले ने बहुत अच्छी बॉलिंग की और उसने लास्ट 4 overs में केवल 8 run दिए। बॉलिंग वो करता जा रहा था और रन देता जा रहा था।
बॉलिंग करता, बॉलिंग करना और रन देना, ये दोनों काम साथ में हो रहे हैं। तो चूंकि दोनों काम साथ में हो रहे हैं, इसलिए कंसीडिंग जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है उसका प्रयोग यहां पर सही है। तो इस सेंटेंस में प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग सही है, ये सेंटेंस सही है, और ये सेंटेंस इसलिए गलत है क्योंकि दोनों एक्शन इसमें साथ में नहीं हो रहे हैं। आई होप दिस इज क्लियर। चलिए नेक्स्ट बोलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। हैविंग अरेस्टेड ही वॉज टेकन टू द सेंट्रल जेल। अब देखिए प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है, वर्ब होता है, ठीक है, और वर्ब को हम एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं। वर्ब की दो फॉर्म होती हैं, एक एक्टिव वॉइस और एक पैसिव वॉइस। तो यहाँ पर पार्टिसिपल के साथ पैसिव वॉइस का कॉन्सेप्ट जो है वो इन्वॉल्व हो गया है। हैविंग अरेस्टेड का मतलब ये है कि अरेस्ट करने के बाद ही वॉज टेकन टू द जेल, इसका मतलब ये होगा कि उसने अरेस्ट किया, हैविंग अरेस्टेड, उसने अरेस्ट किया किसी को और उसके बाद उसको जेल ले जाया गया। क्या मतलब निकला उसको? यहां पर हम बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि हैविंग बीन अरेस्टेड मतलब ये पैसिव वॉइस हो जाएगा, हैविंग अरेस्टेड एक्टिव वॉइस है और हैविंग बीन अरेस्टेड जो है वो पैसिव वॉइस है। तो हैविंग बीन अरेस्टेड का मतलब ये है कि इस व्यक्ति के ऊपर कुछ काम हुआ। एक्टिव वॉइस में डूअर कुछ काम करता है, पैसिव वॉइस में उस डूअर के ऊपर कुछ काम होता है, कोई व्यक्ति उसके ऊपर कोई एक्शन करता है। तो यहां पर इसके ऊपर एक एक्शन हुआ कि हैविंग बीन अरेस्टेड, पहले उसको अरेस्ट किया गया या अरेस्ट किए जाने के बाद, अरेस्ट किए जाने के बाद ही वॉज टेकन टू द जेल, ही वॉज टेकन टू द सेंट्रल जेल। तो इन प्लेस ऑफ हैविंग अरेस्टेड वी मस्ट से हैविंग बीन अरेस्टेड, ठीक है। तो ए यहां पर आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन 11 देखते हैं। ही हर्ड द लायन रोल्ड इन द डेंस फॉरेस्ट ऑफ केरला। उसने लॉयन को सुना दहाड़ते हुए, उसने लॉयन को सुना, ही हर्ड मतलब उसने सुना, किसको? लॉयन को, क्या करते हुए? दहाड़ते हुए। जिस समय एक्शन हो रहा था दहाड़ने का, उस समय उसने उसको सुना, एक्शन हो रहा था, एक्शन हो रहा था। इसका मतलब यहां पर आपको कौन सा टेंस यूज करना है? यहां पर आपको यूज करना है कंटिन्यूअस टेंस। ही हर्ड द लॉयन रोरिंग, उसने लॉयन को हर्ड किया, उसने लॉयन को सुना, कब? जब वह दहाड़ रहा था, ठीक है। तो यहां पर किसी चीज को आपको रटने की जरूरत नहीं है, केवल कॉमन सेंस आप अप्लाई करें, कॉन्सेप्ट्स को समझें और आपको किसी चीज को रटना नहीं पड़ेगा। इन वर्ब्स के साथ हम नॉर्मली वर्ब की एनजी फॉर्म लगाते हैं, लेकिन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी हम लगा सकते हैं, उसके मीनिंग में डिफरेंस आ जाता है। जैसे यदि मैं बोलूं कि आई सॉ हिम क्रॉसिंग द रोड, यदि मैं ऐसे बोलता हूं कि आई सॉ हिम क्रॉसिंग द रोड, ठीक है, और दूसरे सेंटेंस में मैं बोलता हूं, दूसरे सेंटेंस में बोलता हूं आई सॉ हिम क्रॉस द रोड, तो ये दोनों ही सेंटेंस सही है, लेकिन इसका मीनिंग अलग अलग है। आई सॉ हिम क्रॉसिंग द रोड का मतलब ये है कि मैंने उसको देख, जब मैं रोड को क्रॉस कर रहा था, रोड के बीच में था, ठीक है, और यदि मैं बोलता हूं कि आई सॉ हिम क्रॉस द रोड, इसका मतलब मैंने उसको क्रॉस करते हुए देखा, यहां से लेके यहां तक जब उसने क्रॉस किया तो पूरा एंटायर प्रोसेस को मैंने देखा। आई सॉ हिम क्रॉस द रोड का मतलब ये है, और आई सॉ हिम क्रॉसिंग द रोड, मैंने उसको तब देखा जब वो बीच में था, क्रॉस कर रहा था। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है इनमें, लेकिन यहां पर एक जनरल जो रूल है वो ये है कि इन वर्ब्स के बाद हम वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज करते हैं। और मैंने आपको एक्सप्लेन करके भी बताया कि यहां पर रोल्ड क्यों नहीं आएगा, क्योंकि रोल्ड का मतलब होगा ये एक पास्ट पार्टिसिपल बन जाएगा, ठीक है, और इसका मतलब होगा कि हम शेर की एक स्टेट बता रहे हैं, और शेर की एक स्टेट क्या है? रोल्ड, जो कि गलत होगा, ठीक है। हम टायर्ड बोल सकते हैं, टायर्ड लॉयन, थका हुआ शेर, क्योंकि वो उसकी स्टेट बताएगा। रोड एक्चुअली दहाड़ा हुआ, क्या मतलब होगा इसका? दहाड़ा हुआ शेर, ठीक है। रोरिंग लाइन बोल सकते हैं, दहाड़ता हुआ शेर, रोल्ड लाइन नहीं बोल सकते, तो ये इसमें अंतर है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। आई लाइक माई फूड बॉइलिंग। यहां पर फिर से मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा। यदि मैं बोलूं कि आई लाइक माई फूड, मैं अपना फूड पसंद करता हूं, कैसा? बॉइलिंग, मतलब इसका मतलब क्या निकला कि मैं अपने फूड को पसंद करता हूं जब वो बॉइल कर रहा होता है,
क्या मतलब निकला इसका, ठीक है। यहां पर आपको फूड की स्टेट के बारे में हम बात कर रहे हैं, फूड की दशा क्या है, किस तरीके का फूड, किस स्टेट का फूड आपको पसंद है। आई लाइक माई फूड बॉइल्ड, मैं उबला हुआ खाना पसंद करता हूं, क्योंकि उबला हुआ खाना कैसा होता है, न्यूट्रिशियस होता है। तो इसलिए यहां पर बॉइलिंग कहना पूरी तरीके से गलत होगा और बॉइल्ड कहना सही होगा। बॉइल्ड विल मेक कंप्लीट सेंस, बॉइलिंग विल नॉट मेक एनी सेंस। तो यहां पर आंसर होगा आपका बी, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट को समझना है, किसी चीज को रटना आपको नहीं है। आई डाउट दैट ही विल नॉट टर्न अप, मुझे डाउट है कि वह वापस नहीं आएगा। अब देखिए, डाउट एक नेगेटिव वर्ड है। डाउट का मतलब क्या होता है, डाउट का मतलब होता है अनसर्टेन। डाउट का मतलब क्या है, अनसर्टेन। और अन का मतलब क्या है, अन का मतलब है नेगेटिव, अन का मतलब है नॉट, यानी डाउट में पहले से ही नॉट लगा हुआ है, इसलिए डाउट के बाद आने वाले सेंटेंस में हम नॉट का प्रयोग नहीं करते। डाउट के बाद नॉट का प्रयोग नहीं होगा, तो ये सेंटेंस सही क्या होगा, ये सेंटेंस होगा आई डाउट दैट ही विल टर्न अप, वह आएगा या नहीं आएगा इस चीज के बारे में मुझे डाउट है। आई डाउट दैट ही विल टर्न अप, वह आएगा इस चीज के बारे में मुझे डाउट है, वह आएगा, वह अपीयर होगा इस चीज के बारे में मुझे डाउट है। तो डाउट बीइंग अ नेगेटिव वर्ड, चूंकि डाउट का मतलब क्या होता है, अनसर्टेन, तो इसलिए अन चूंकि एक नेगेटिव वर्ड है, नेगेटिव प्रीफिक्स है, इसलिए डाउट के साथ हम नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, इज योर पेरेंट्स कमिंग फॉर द फेस्टिवल। देखिए, पेरेंट्स के अंदर दो एंटिटीज आती हैं, एक मदर और एक फादर, मतलब ये दो लोग होते हैं। पेरेंट्स जो होता है वो अपने आप में एक प्लूरल नाउन होता है। यदि आप पेरेंट बोलें, यहाँ पर इसको एस हटा दें, तो इसका मतलब होगा या तो मदर या फादर। पेरेंट्स का मतलब होता है मदर और फादर, तो चूंकि ये प्लूरल है इसलिए जो वर्ब आएगी वो कैसी आएगी, वो प्लूरल आएगी। तो यहाँ पर हम बोलेंगे आर योर पेरेंट्स कमिंग फॉर द फेस्टिवल, ठीक है। तो ए इसमें आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, हैविंग बीन रेस्टेड फॉर एन आर दे रिज्यूम द प्रोजेक्ट वर्क, मतलब आधे घंटे रेस्ट करने के बाद उन्होंने अपने प्रोजेक्ट को रिज्यूम कर दिया, फिर से शुरू कर दिया। तो मैंने अभी बताया था कि हैविंग प्लस V3 ये होता है परफेक्ट पार्टिसिपल, और ये परफेक्ट पार्टिसिपल का एक्टिव वॉइस फॉर्म है। और हैविंग के साथ जब आप बीच में बीन भी लगा देते हैं तो ये हो जाएगा पैसिव वॉइस स्ट्रक्चर। पैसिव वॉइस में क्या होता है, पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस में जो डूअर होता है वो खुद कुछ काम करता है, पैसिव वॉइस में डूअर के ऊपर कोई काम होता है, ठीक है। तो हैविंग बीन रेस्टेड का मतलब ये निकलेगा यहां पर कि उनको आराम करवाया गया, उन्होंने आराम किया नहीं, उनको आराम करवाया गया किसी व्यक्ति के द्वारा, ये पैसिव वॉइस का अर्थ निकलेगा, जो कि सेंसलेस होगा। उन्होंने आराम किया, उन्होंने आधे घंटे आराम करने के बाद अपने प्रोजेक्ट को रिज्यूम किया, उनको आराम करवाया नहीं गया। तो इसलिए हैविंग बीन रेस्टेड के स्थान पर यू मस्ट से हैविंग रेस्टेड, ठीक है। तो ये आपका सही होगा। आई होप के ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर हो रहे हैं, और ये कॉन्सेप्ट मैं बहुत ही डिटेल में अपनी पेड क्लासेस में बताता हूँ। और यदि आप मेरी पेड क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो examini.in एक वेबसाइट है, वहाँ पर आप कर सकते हैं। इन सभी के लिंक्स मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा, वहाँ से इन क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। और SSC और बैंकिंग के सभी एग्ज़ाम्स में अपनी सफलता आप सुनिश्चित कर सकते हैं, घर बैठे आप बहुत ही शानदार तरीके से इन कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर सकते हैं। अब देखिए, ही डिनाइड दैट ही वॉज नॉट अ थीफ। मैंने अभी एक सेंटेंस आपको बताया था डाउट का, ये डाउट एक नेगेटिव वर्ड है, उसी तरीके से डिनाइड एक नेगेटिव वर्ड है। डिनाइड का मतलब होता है डिक्लियर अनट्रू, ये डिक्लियर कर देना कि ये चीज अनट्रू है, ये चीज सही नहीं है, अनट्रू है, मतलब इसमें भी आपका अन जो है प्रिफिक्स आ रहा है। तो इसलिए डिनाइड वर्ड के साथ भी हम नॉट को यूज नहीं करते, नॉट यहां पर ये गलत है। ही डिनाइड दैट ही वॉज अ थीफ, ही डिनाइड दैट ही वॉज अ थीफ, यहां पर नॉट नहीं आएगा। तो सारे मैंने क्वेश्चन जो लिए हैं कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन लिए हैं, और कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हैं
तो कोई भी बैंकिंग एग्ज़ाम, कोई भी एसएससी एग्ज़ाम आप आसानी से निकाल सकते हैं, और ये एग्ज़ाम आपको बिल्कुल भी कठिन नहीं लगेंगे यदि कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हैं। अब हम देखते हैं आगे, लाउडली नॉकिंग एट द गेट ही डिमांडेड एडमिशन, मतलब गेट पर तेज आवाज में नॉक करते हुए उसने डिमांड किया किस चीज़ को, एडमिशन को, मतलब तेजी से उसने दरवाजे को खटखटाया, और तेजी को दरवाजे को खटखटाते हुए उसने डिमांड किया कि मुझे एडमिशन दिया जाए। दोनों काम इसमें एक साथ हो रहे हैं, क्योंकि दोनों काम एक साथ हो रहे हैं इसलिए प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग आप यहां पर कर सकते हैं। और प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है, वर्ब प्लस एडजेक्टिव होता है, यानी इसमें वर्ब का एलिमेंट होता है, और वर्ब को हम किस चीज से मॉडिफाई कर सकते हैं, वर्ब को हम मॉडिफाई कर सकते हैं एडवर्ब से। तो यहां पर प्रेजेंट पार्टिसिपल को एडवर्ब के द्वारा मॉडिफाई किया जा रहा है, जो कि सही है। तो चूंकि दो काम एक साथ हो रहे हैं, वो नॉक कर रहा है और एडमिशन को डिमांड कर रहा है, एडमिशन मांग रहा है, घुसने की परमिशन मांग रहा है और नॉक कर रहा है, दोनों काम एक साथ हो रहे हैं, और प्रेजेंट पार्टिसिपल को हमने मॉडिफाई किया है यहाँ एडवर्ब से, तो ये सेंटेंस जो है ये सही है, इसमें गलत कुछ भी नहीं है, ठीक है। ब्लाइंडेड बाय अ डस्ट स्टॉर्म दे फेल इन टू डिसऑर्डर, ठीक है। यहां पर हम एक स्टेट बता रहे हैं कि डस्ट स्टॉर्म, धूल का जो आंधी तूफान वहां पर उठ रहा था, उससे वो लोग कैसे हो चुके थे, उससे उनकी दशा, स्टेट कैसी हो गई थी, ब्लाइंडेड, वो लोग ब्लाइंडेड हो गए थे, उनकी दशा जो है वो ब्लाइंडेड हो गए थे। तो यहां पर यदि आप बीइंग लगा देंगे तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो ब्लाइंडेड बाय अ डस्ट स्टॉर्म दे फेल इन टू डिसऑर्डर, चूंकि ब्लाइंड स्टॉर्म से, डस्ट स्टॉर्म से वो लोग ब्लाइंड जैसे हो गए थे, सब जगह धूल का गुबार उठने लगा था, ब्लाइंड से हो गए थे, इसलिए सारे सब जगह एकदम से खलबली मच गई, दे फेल इन टू डिसऑर्डर। तो इसलिए यहां पर आपका ये जो सेंटेंस है इसका आंसर होगा डी, यानी नो एरर, ठीक है। कंसिडरिंग हिज एबिलिटी, ये एक पार्टिसिपल फ्रेज है, इसको आप बिना सब्जेक्ट के यूज कर सकते हैं। कंसिडरिंग हिज एबिलिटी का मतलब है इफ वी कंसिडर हिज एबिलिटीज, इफ वन कंसिडर हिज एबिलिटीज, तो इसमें ये सही है सेंटेंस, इसमें कुछ भी गलत नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, ही इंडल्ज इन एवरी एवरी बैड हैबिट एक्सेप्ट, मतलब वो सारी बुरी आदतों में इंडल्ज हुआ इसको छोड़कर, ठीक है, सारी बुरी आदतों में वो इंडल्ज हुआ एक्सेप्ट इसको छोड़कर, एक्सेप्ट वॉट, एक्सेप्ट वॉट, और वॉट का आंसर क्या आता है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि वॉट का जो आंसर है वो हमेशा एक नाउन होता है, वॉट का आंसर हमेशा एक नाउन होता है, और नाउन को इंडिकेट करने के लिए हम जेरेंड फॉर्म को प्रेफर करते हैं। तो यहां पर हम लिखेंगे एक्सेप्ट ड्रिंकिंग। तो इस तरीके से ये नॉन फाइनाइट वर्ब्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चन मैंने इस वीडियो क्लास में लिए हैं, और आगे भी इस तरह के वीडियो क्लासेस मैं अपलोड करता रहूंगा। तो यदि आप इस चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं, इस वीडियो क्लास को आपने फर्स्ट टाइम देखा है, तो मैं आपको बता देता हूँ ये इंग्लिश एडवांटेज चैनल आप देख रहे हैं, इसको अभी आपने अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब जरूर करें, और बेल का आइकॉन जरूर दबाएँ, तभी आपको सारे नोटिफिकेशन मिलेंगे। इस वीडियो क्लास को लाइक जरूर करें, शेयर करें, कमेंट करके मुझे बताएं कि ये सारे क्वेश्चंस कैसे लगे आपको, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें इन वीडियो क्लासेस को। यदि आप मेरी पेड क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं, निश्चित सफलता चाहते हैं एसएससी एग्ज़ाम में, बैंकिंग एग्ज़ाम में, तो इन सभी के लिंक्स मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा, वहाँ से इन पेड क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं, और आप देखेंगे कि कितने बेहतरीन तरीके से आपको इन पेड क्लासेज में पढ़ाया जाता है, सारा सारे टॉपिक्स बहुत कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से कवर किए जाते हैं, वेदर इट्स क्लोज टेस्ट, पैरा जंबल, रीडिंग कॉम्प्रिहेंसन, इसमें एक हिंदू बूस्टर सीरीज में चलाता हूँ, ठीक है, सारा पूरा ग्रामर कंप्लीट होता है, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत डिटेल में इसमें पढ़ाए जाते हैं। तो एसएससी एग्ज़ाम के लिए ये पेड क्लासेज एकदम रामबाण दवा की तरह काम कर सकती हैं यदि आप इन पेड क्लासेस को ज्वाइन करते हैं, और हज़ारों की संख्या में हमारे जो स्टूडेंट इन पेड क्लासेस का फ़ायदा उठा रहे हैं और अपना सिलेक्शन सुनिश्चित कर रहे हैं। तो आप भी इन पेड क्लासेस को यदि ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए लिंक से आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो इस वीडियो क्लास में इतना ही, अब मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो क्लास में। आपकी कोई भी क्वेरी है तो कॉल एंड व्हाट्सएप नंबर दिए हैं, और मेरा ईमेल आईडी भी यहाँ पर दिया है, इनके थ्रू आप मुझसे कभी भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।
तो इस वीडियो क्लास में इतना ही, अब मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो क्लास में। थैंक यू।